जो इस किताब को पिंजरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि जो भी इस किताब को निकालेगा उसे इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। ये सब उस भीम और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। हाँ, एक दिन हम ना उसे और उसके दोस्तों को मजा चखाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम एक एक करके। अरे ये क्या है, क्या हुआ? पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। कौन हो तुम लोग, यहाँ मेरे महल में कैसे चले आए? ओ, तो तुम भी भीम के दुश्मन हो। बदला ले लो, पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो बोलो डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे। हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाओ तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। लगता है पहुंच गया। अरे
ऐसे कितनी देर चुप के रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। भीम, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओह, तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे, गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जला कर बताओ तो मानूं। अच्छा, तो लो, मैं आ गया। पीलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है। मैं आग उगल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये क्या, मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी, चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! दो दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत भूलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे लो मैं। लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। Thank you.